भारतीय सेना में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एनडीए और सीडीएस में भर्ती निकली है। सेना ने वेटरनरी ग्रेजुएट्स की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 12 वैकेंसी पुरुषों और 3 महिलाओं के लिए है। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 जून 2024 को शाम 5 बजे तक है। अप्लाई करने वाले लोग इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेटरनरी ग्रेजुएट एसएसबी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके लिए अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है। अप्लाई ऑफलाइन मोड से करना है। एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी होगी और लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन RVC साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये फॉर्म भेजने का एड्रेस डायरेक्टरेट जनरल रिमाउंट वेटरनरी सर्विस QMG ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी वेस्ट ब्लॉक 3 ग्राउंड फ्लोर विंग 4 RK पुरम नई दिल्ली 110066 है। भारतीय सेना की वेटरनरी ग्रेजुएट SSB भर्ती के लिए एप्लीकेंट के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BVSC ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन जमा करने के समय उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के साथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, फिर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद IMS ट्रेनिंग होगी। आपको बता दें कि सेना के वेटरनरी कॉर्प्स में कैप्टन रैंक पर कमीशन प्राप्त होने के बाद अफसर 10B लेवल के पे मैट्रिक्स में 61,300 रुपए बेसिक सैलरी, 15,500 रुपए प्रति माह का मिलिट्री सर्विस सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% गैर प्रैक्टिस भत्ता और समय समय पर मिलने वाले महंगाई और बाकी भत्ते भी मिलेंगे। इसके अलावा रियायती दर पर घर, मुफ्त राशन या राशन भत्ता, अपने और परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, LTC, 60 दिन की सालाना छुट्टी, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश, कैंटीन सुविधाएं और बीमा कवर भी मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद अभ्यर्थी को सेना में कैप्टन रैंक पर शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए RVC सेंटर और कॉलेज मेरठ छावनी भेजा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद अभ्यर्थी को सेना में कैप्टन रैंक पर शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए RVC सेंटर एवं कॉलेज मेरठ छावनी भेजा जाएगा। भारतीय सेना की वेटरनरी ग्रेजुएट SSB भर्ती के लिए एप्लीकेंट के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BVSC ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन जमा करने के समय उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के साथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग, फिर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद IMS ट्रेनिंग होगी। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।